मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। ये पाठ 8 है। अध्याय 8 है किसान, जमींदार और राज्य। ये जो किसान, जमींदार और राज्य आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच के काल के विषय में बताना है। उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसान किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। उसी तरह जमींदार की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के विषय में पढ़ना है। और राज्य, उस समय राज्य का संगठन कैसा था और राज्य के जो कर्मचारी थे, जो राजा था, वह किसान और जमींदारों के साथ कैसा बर्ताव करता था, कैसे अपने धन को उन लोगों से वसूल कराता था, धन की उगाही करता था, इन सब के विषय में आज किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो आप लोग पहले देखें, हिंदुस्तान में 16वीं और 17वीं शताब्दी कब कब है? 16वीं और 17वीं शताब्दी, एक हिंदुस्तान में 16वीं और 17वीं शताब्दी में लगभग कितने 85% किसान थे। इतने 16वीं और 17वीं शताब्दी में देखा जाए तो लगभग किसानों की संख्या जो गांव में निवास करते थे, ये 85% थे। छोटे छोटे खेतिया, भूमधर, संभ्रांत लोग दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, चाहे छोटे खेतिया हों या भूमधर हों या संभ्रांत हों, सभी का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था, खेती था। दोनों ही फसलों के हिस्से में दावेदारी रखते थे और फलस्वरूप उनके मध्य सहयोग और प्रतियोगिता और संघर्ष के भी संबंध बने रहते थे। एक दूसरे से सहयोग भी करते थे, एक दूसरे से प्रतियोगिता की होड़ भी लगी रहते थे और कभी कभी खेत और उसके फसलों को लेकर दोनों में संघर्ष भी होता था। एक अब आता है मुगल राज्य। क्योंकि 16वीं और शताब्दी और 17वीं शताब्दी में देखा जाए, भारत में मुगल साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य था। तो आप लोग जानते होंगे मुगल राज्य सबसे सर्वाधिक और महत्वपूर्ण थे, जो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग कृषि उत्पादन में उपार्जित करता था। अर्थात कृषि उत्पादन से इनको, मुगल साम्राज्य को, ज़्यादा धन मिलता था, अर्थात धन इकट्ठा करते थे। इसलिए ये कृषि पर जोर भी देते थे। कर्मचारी हों, राजस्व निर्धारित करने वाले हों, राजस्व वसूली करने वाले हों या हिसाब रखने वाले हों या ग्रामीण समाज पर नियंत्रण रखने वाले हों, यथा संभव प्रयास करते थे। अर्थात सभी लोग कृषि और उसके फसलों पर अपने यथा संभव प्रयास भी करते थे। इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में ही प्रविष्ट हो गया, क्योंकि गांव में खेती का काम गांव से होता था। इसीलिए व्यापार का काम और आय व्यय का काम या विनिमय का काम, ये सब गांव से ही जुड़ गया, अर्थात गांव के संपर्क में आ गया। बाजार भी गांव के संपर्क में आ गए, इसलिए कृषि वाले क्षेत्र शहर से जुड़ गए। जब ये संपर्क में आए तो कृषि वाले क्षेत्र किससे जुड़ गए? शहर से। अब आता है किसान और कृषि उत्पादन।
आपका टॉपिक है किसान और कृषि उत्पादन। गांव कृषि समाज की आधारभूत इकाई थी। कृषि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जिसमें किसान का अधिवास था, जिसमें किसान लोग निवास करते थे। किसान वर्ष भर अपनी जमीन की जुताई करते थे, बीजों की बुआई करते थे और उसके बाद फसल पकने के बाद उसकी कटाई करते थे और उसकी मड़ाई का कार्य भी किया करते थे। अर्थात वर्ष भर किसान लोग खेतों में कार्य किया करते थे, कि तो खेतों की जुताई का कार्य हो या गुड़ाई निराई का कार्य हो या सिंचाई का कार्य हो या फसल की कटाई का कार्य हो या मड़ाई का कार्य हो, ये वर्ष भर निरंतर चलता रहता था। अब आता है कृषि के स्रोत। अगला टॉपिक है जो हम कैसे बता सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि कार्य होता था, उसके जो स्रोत मिले हैं यह भी किसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि कार्य किया जाता था। आज उसके स्रोत के विषय में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग 16वीं और 17वीं के मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज के आधार पर ही हम कृषि कार्य के विषय में लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते होंगे कि आइने अकबरी जो है इसके लेखक थे अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। आइने अकबरी जो है अकबर के दरबार में लिखा गया था और आइने अकबरी के स्रोत के माध्यम से हम कृषि के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो कृषि से संबंधित कार्य थे आइने अकबरी में लिखा गया है। ये अबुल फजल जो थे अकबर के दरबार में इतिहासकार थे, इन्होंने आईने अकबरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें अकबर से संबंधित और उस 16वीं और 17वीं शताब्दी के समाज का भी वर्णन आईने अकबरी में किया गया है। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त खेतों से निर्मित नियमित जुताई का निर्धारण करने के लिए, राज्य कर्मचारी द्वारा करों की उगाही करने के लिए और राज्य तथा ग्रामीण जमींदारों के बीच संबंधों के नियमित हेतु राज्य ने जो प्रबंध किए थे उनका विवरण इस ग्रंथ में सावधानीपूर्वक किया गया है। यानी काले कार्य कृषि से संबंधित जो भी विवरण है या कर से संबंधित जो भी विवरण है या कृषि उगाही से संबंधित जो भी विवरण है यानी आईने अकबरी ग्रंथ में आपको मिलता है। लगभग आप देखेंगे तो स्रोतों में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब अगला आपका टॉपिक है खेती की सिंचाई। सिंचाई और तकनीकी चाहे खेती की सिंचाई। सिंचाई और तकनीक ये आपका टॉपिक है सिंचाई और तकनीक। यानी कहने का अर्थ है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में लोग खेतों की सिंचाई किस तरह करते थे, फसलों को उगाने के लिए किस जल के प्रयोग के लिए किस
इस साधन का प्रयोग करते थे। तो हिंदुस्तान में भूमि की प्रचुरता से कृषि का निरंतर विकास हुआ, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए कृषि कार्य लगभग 85% लोग करते थे। नित्य प्रतिदिन खाने की वस्तुएं कृषि कार्य से ही मिलती हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, मटर है, अरहर है, तिलहन है, यानी जो भी आप लोग देखेंगे खाद्य पदार्थ, ये सब खेती से ही हमें प्राप्त होते हैं। इत्यादि ये सब फसलें कृषि कार्य से उगाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती थी, चावल का कृषि कार्य किया जाता था, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, जौ और ज्वार, बाजरा, ये सब। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती थी। अब आता है भारत में भारतीय मानसून। भारतीय मानसून भी ऐसा है जो कृषि कार्य में हमेशा अपनी सहयोग करती है, मदद करती है। मानसून भारतीय कृषि की सदा से ही रक्षा करती चली आई है, जैसे कि आज सिंचाई के कार्यों में राज्य की मदद भी मिलती है। देखा जाए तो सिंचाई के कार्यों में हमेशा राज्य भी मदद करता है और लोग अपना व्यक्तिगत भी मदद से सिंचाई के कार्य में के साधन का उपयोग करते हैं। मसलन उत्तर भारत में राज्य के ने कई नहरें और नाले और खुदवाए। राज्य उस समय के अर्थात मुगल दरबार के जो शासक थे वे कृषि के सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए नहरें और नाले को खुदवाए, यहाँ तक कि बहुत सी जगह झीलें भी बनवाए, तालाब भी बनवाए, जिससे खेतों की सिंचाई हो सके। आप लोग और उन बहुत से लोग पुरानी नहरों को भी मरम्मत किए, नई नहरों को भी खुदवाए। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में एक शाह नहर है, एक शाह नहर का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, किसान जमींदार और राज्य के अंतर्गत आप लोगों ने किसान के विषय में पढ़े हैं, मुगलकालीन शासन व्यवस्था के विषय में पढ़े हैं, और कृषि के स्रोतों के विषय में पढ़ चुके हैं, सिंचाई और तकनीकी के विषय में जान चुके हैं। अब हम अगले भाग का अगला वीडियो अगले दिन मनाएंगे। अब हमारा यहीं पर वक्तव्य समाप्त होता है। धन्यवाद।